गाइस वेलकम बैक टू मॉर्निंग अपडेट वीडियो। तो आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ चुका हूं बस मिनट इंडोनेशिया की एक और नई वीडियो। तो क्या नाचो मैं तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम पहुंच चुके थे भाई बंदर लंबों के बस स्टैंड पर, और यहां पर आकर हमने जो बंदे हैं वो उतार दिए थे। बंदे उतारने के बाद भाई हमने वीडियो जो देखा वहाँ पर ख़त्म कर दी थी। आज फिलहाल यहाँ से हमें ये बंदे उठाने और हमें प्रस्थान करना भाई पलिम बैंक के लिए। तो वहाँ पर चलते हैं, पहले अपने बंदे बंदों को बैठाते भाई बस में, और भाई आज हम बस की क्लीनिंग और सर्विसिंग सब कुछ करवा देंगे भाई, क्योंकि कई दिनों से भाई बस धुली भी नहीं है और ना ही भाई इसकी सर्विस हुई है। फिलहाल भाई बैठते हैं अपनी बस में और पैसेंजर्स को भी बैठा देते हैं इसके अंदर। तो फिलहाल तो लेकर चलते हैं अपनी बस को वहाँ पर, और वहाँ से जल्दी से बंदों को बिठा लेते हैं। यार भाई सारे बंदे जो हमारे बस में बैठ चुके हैं फिलहाल भाई देख लेते हैं यहाँ पर सर्विस स्टेशन और भाई वॉशिंग स्टेशन। तो सर्विस स्टेशन तो यहाँ पर है, हम रास्ते में जाएंगे जब, और वॉशिंग स्टेशन उधर की तरफ है। पहले वॉशिंग स्टेशन पर चलते हैं और वहाँ पर जाकर भाई अपनी बस दिलवा कर लेकर आते हैं। चलते भाई शुरू करते हैं अपनी जर्नी को। चल भैया हम पहुंच गए वॉशिंग स्टेशन पर, तो जल्दी से अपनी बस को यहाँ पर पार्किंग में लगाते हैं और अपनी बस को धुलवा लेते हैं। 20,000 रुपये लगेंगे भाई एक वॉशिंग के। फिलहाल भैया हमारी बस जो है वो धुलकर तैयार हो चुकी है। फिलहाल भैया आप लोग इसका फाइनल लुक देख सकते हो भाई, कितनी ज़्यादा तगड़ी लग रही है भाई। इसका कलर यार बहुत ज़्यादा तगड़ा है इस वाली बस का। लेकर चलते भाई अपनी बस को इसे ठीक करवाने के लिए सर्विस स्टेशन पर चलते हैं और भाई से ठीक भी करवा लेते हैं। फिलहाल भाई हम पहुंच चुके हैं हमारे सर्विस स्टेशन पर, तो जल्दी से इसे भी पार्किंग में लगाकर और भाई से ठीक करवा लेते हैं। 10-12 हज़ार रुपये कुछ ऐसे लगेंगे भाई इसके, पे करते हैं भाई ने और भाई जल्दी से ठीक करवा लेते हैं। फिलहाल भाई हमारी बस जो है बिल्कुल ठीक हो चुकी है अब भाई, इस पर कोई डेंट वेंट वगैरह वगैरह नहीं है। फिलहाल देख सकते हो आप लोग इसकी भाई लाइट वगैरह कितनी ज़्यादा सही हो चुकी है, देख सकते हो आप पास पास मार रही भाई इसके हजार्ड भी बिल्कुल ओके हो चुके हैं। शीशा भी सब बिल्कुल भी बेंड नहीं हो रखा है, पीछे से हाँ लाइट वगैरह सब कुछ ठीक हो चुकी है, और भाई धुलकर तो भाई इसकी लुक ही अलग हो जाती है। लेकर चलते भाई अपने पैसेंजर्स को इनके नेक्स्ट स्टेशन पर। आज भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग गया वैसे तो यहाँ पर।
पर एक टोल टैक्स भी से आ चुका है, तो यहाँ पर भी हमें टैक्स कटवाना होगा। तो टैक्स देते भाई ने 5,000 रुपये भाई, तुरंत ले लेते भाई, ऐसे तो इनके रोड भी नहीं होते भाई, देते भाई। वैसे यहाँ से आने जाने का कहीं से भी रास्ता नहीं है, हम वैसे धक्का मार कर बेसिक से निकलते हैं, लेकिन भाई फिर हमारी बस पर ही इम्पैक्ट पड़ेगा जैसा मैं नहीं चाहता। चलते भाई भाई। वो चेकिंग के लिए यहाँ पर फिर से एक टोल टैक्स आ चुका है, यहाँ पर भाई हमारी पर्ची वर्ची चेक होगी, तो चेक करवाते भाई ने अपनी पर्ची और अपनी बस को फिर से लेकर चलते इसके रूट पर। फिलहाल भाई आज की यात्रा हम यहीं पर अपनी समाप्त करते हैं। तो आज वाले वीडियो में फिलहाल भाई इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल वाले को जरूर पर सेट करना ताकि आप लोगों के पास मेरी वीडियो नोटिफिकेशन तक आते रहे और आप लोग ऐसी वीडियोस और भी देख पाओ। अगली वीडियो में भाई हम पलेम बैंक पर पहुँच जाएंगे और फिर हमारी 3-4 जो सिटी हैं वो रह जाएंगी। 3-4 दिन भाई ज़्यादा अभी तो रह रखा भाई हमारी यात्रा थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा रह रखी है अभी, तो भाई और सीरीज आएंगी इस गेम की। तो मिलते हैं सभी भाइयों को अगली वीडियो में। सभी भाइयों को राम राम और बाय बाय।